ये फायर पाइप चमका दिया इसने, ये रहा राधे श्याम छत पे चल रहा है। इस टॉर्च को भी हम सामने वाली बिल्डिंग पे फोकस करके चेक करेंगे, तो चलते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ मैं यहाँ से वीडियो को। टॉर्च जला दिया है, लास्ट में चल रहा है, बस एक और पाइप रह गई है फायर की, वाटर लाइन की, और लास्ट में हम पहुँच गए हैं लगभग। ट्रेस को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब मैं कोशिश करूँगा सामने जो रास्ता है उस पर डालने की पहले, तो और सामने रास्ता जो है वो ईज़िली चमक रहा है। ये देखो आप यहाँ से देखते हुए जाओगे तो सामने रास्ता चमक रहा है। सामने वाली बिल्डिंग पे समझ नहीं आ पा रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग पे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ जा रही है, सामने वाली बिल्डिंग पे लाइट जा रही है। अब कई दोस्त वगैरह लोग बताएंगे देख के, इसका तो 3.5 किलोमीटर का रेंज है वैसे। सामने एरोप्लेन है, उसको हम चमकाने की कोशिश कर रहा है, ये गैरकानूनी है, पर देखो एरोप्लेन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, राधे श्याम ने कह दिया दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, देखो दिख रहा है एरोप्लेन, उसको लैंडिंग करवाएंगे यही मोदी वेयर हाउस पे। तो यही है, इसको सामने की तरफ हम डालते हैं फोकस। ये देखो ये सर, ये कोई और होता तो काट के बेच चुका होता, लेकिन हम सुरक्षा में हैं। ये देखो तो सामने फोकस देखो, सामने वाला पिलर लगभग 300 मीटर के आसपास दूरी है, ये आसानी से चमक रहा है यहाँ से। देखो आप ये सब आसानी से चमक रहा है। मैं दो पार्ट में इसको वीडियो को डालूँगा, तो आप देख लेना सही से, आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं गार्डन की तरफ, सामने पहाड़ पे। ये सामने इतने अच्छे से चमक नहीं पा रहा है कि दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, ये समझ नहीं आ पा रहा है सही से। इसका 350 मीटर का रेंज है, वो सामने की तरफ से आप देख सकते हो उतना, लेकिन यहाँ से कितना विजिबल है ये प्रॉपर नहीं कहना मुश्किल है। तो अभी हम ग्राउंड पे टॉर्च फोकस डाल के कोशिश करते हैं इसको देखने का कि ग्राउंड पे कैसा फोकस प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले हम ग्राउंड पे डालते हैं इसको, तो यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहा है। और सामने एक बंदा देखें, ये देखो इजीली लाइम लाइट में आ रहा है, ये इजीली विजिबल हो रहा है। और एक वो देखो, ये नीला कलर का चमक गया होगा, देखें ड्रेस चमक रहा होगा आपको, ये यहाँ पे इजीली चमक रहा है। देखिए अभी नहीं चमक रहा है, अभी चमक रहा है, तो विजिबल हो रहा है अच्छे से कि हाँ दिख रहा है। यहाँ नीचे मैं ग्राउंड पे डाल रहा हूँ फोकस, तो ग्राउंड पे भी अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो ये फोकस है, अभी देखो सामने देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये दिख रहा है, देखो सामने देखे कितना दूर तक, सामने का पेड़ पे आसानी से दिख रहा है, सामने पहाड़, सामने पहाड़ पे भी दिख रहा है। 8289 ये टॉर्च आईबेल की तरफ से जो आता है, ब्रांडेड एक फ्लिपकार्ट पे सबसे महंगा टॉर्च है मेरे हिसाब से, जो कि एक ब्रांड की तरफ से आता है सिंगल मोड के साथ। तो 1800 से 2000 के बीच में आता है ये एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम बिल्ड, मेरे हिसाब से रिव्यू वर्डिक बता रहा हूँ अपनी। तो आप वॉकिंग तो पूरा देखते ही जाए, बाकी मैं आपका फीडबैक इसको देते जा दूँगा। तो इसकी 3.5 किलोमीटर की रेंज है, वो सामने वाला बंदा 3.5 किलोमीटर से इस टॉर्च को फोकस को देख सकता है आसानी से। तो ये एक्चुअल में होगा 3.5 किलोमीटर की दूर से बंदा इसको आसानी से देख पा रहा होगा, लेकिन जो मैं कहूँ सामने विजिबिलिटी मेरे को 350 से 400 किलोमीटर के आसपास की दिखती है इसकी विजिबिलिटी। और रही इसकी बैटरी बैकअप के बाद, तो वो चलती है भाई इसकी बैटरी बैकअप, लगभग 7 से 8 घंटे इसकी बैटरी बैकअप जो है वो एक्चुअल में परफॉर्म करती है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो बहुत बड़ी 4000 mAh की बैटरी है, इसकी बहुत बड़ी बैटरी है जो कि 3 से 4 घंटे में लास्ट चार्ज भी हो जाती है। काफ़ी हैवी चार्जर भी है इसका, जो आउटपुट अच्छी रेटिंग देता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो वॉकिंग देखते रहो आप, और अपना मैं सजेशन भी शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो आपने पूरा वीडियो लगभग देख लिया होगा या लास्ट में आप आए होंगे, यही है वॉकिंग, आप देखते रहो, मैं बताता रहूँगा इस टॉर्च के बारे में और जो फाइनल वर्ड्स हैं मेरे। तो ये टॉर्च जो है वो 2000 तक में लेना जो है मेरे हिसाब से पैसे की बर्बादी होगी, ये उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता जिस हिसाब से ये 2000 रुपये का टॉर्च आता है। मेरे हिसाब से इसकी जगह आप थोड़ा कम या थोड़ा अगर ब्रांडेड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टॉर्च लेना है तो आप वो ले सकते हो, या फिर आपको ये वीडियो में फोकस इसका पसंद आया हो तो आप वो ले सकते हो। जैसे फ़िलिप्स के ब्लेज टॉर्च आता है, जिसकी वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा लास्ट के आसपास, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और एक विप्रो का इमर ग्लैड करके आता है, उसको अभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हो आप। तो आईबेल का ये टॉर्च लेना, जो कि हम अभी वापस जा रहे हैं,
तो वेस्ट ऑफ मनी होगा अगर आप ये 2000 रुपये तक में लेते हो। बाकी अगर आपको इसका फोकस समझ में आया हो तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। हाँ, बैटरी बैकअप मैं कह सकता हूँ कि इतनी कोई और टॉर्च नहीं दे सकता, कोई और ब्रांड टॉर्च जो है वो इतनी बैटरी बैकअप नहीं दे सकता और ना ही बिल्ड क्वालिटी दे सकता है इतनी प्रीमियम एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम वाली बिल्ड क्वालिटी। चलो सभी लोग, तो इतना ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी वो नहीं दे सकता, ना बैटरी के मामले में ना बिल्ड क्वालिटी, लेकिन फोकस जो है वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ वो बेटर फोकस दे सकता है। जो इसका लॉन्ग रेंज है वो बेटर हो सकता है ग्लेज में, फ्लिप्स ग्लेज में वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा और ज़्यादा लॉन्ग रेंज तक जाएगा। ये देखो आप, ये भी काफ़ी लॉन्ग रेंज है, 3.5 किलोमीटर के आसपास मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी कम नहीं है इसके आगे, बहुत सही टॉर्च है वो भी। मैं आपको वॉकिंग दिखाता रहता हूँ, आप अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। चलो अब दबाते हैं हम ग्राउंड फ्लोर का बटन, सेकंड, हम शॉर्टकट लेंगे सेकंड फ्लोर से। देखो इसी के साथ अब सेकंड फ्लोर से हम शॉर्टकट लेंगे यहाँ से, जिस रास्ते से आए थे लगभग उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। हम ग्राउंड में भी टेस्टिंग कर सकते हैं बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लाइट्स होती हैं, इसकी वजह से हम टेस्टिंग नहीं कर पाते इस प्रकार की लाइट। मैं एक दिन इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा सामने, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी तक चल ही रहा है जो कि काफ़ी दिन से चल रहा है और चल रहा है, ये चल रहा है। वो देखो सामने फायर का सेंस जो रिफ्लेक्टर है, बीम रिफ्लेक्टर, वो कैसे चमक रहा है। मुझे लग रहा है टॉर्च से भी ज़्यादा फोकस वो प्रोड्यूस कर रहा है, इतना सही चमक रहा है। ये बीम डिटेक्टर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इसके रेस प्रोड्यूस करता है, देख पा रहे होंगे आप ऑरेंज कलर का थोड़ा सा लाइट सा, और सामने रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करके काम करता है, जिसके अगर बीच में कोई भी चीज़ आती है तो अलार्म बजने लगता है। ये रिफ्लेक्टर है, बीम डिटेक्टर जिसे बोलते हैं। ये रहा, तो अब हम नीचे जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। यही है फाइनल वर्डिक्ट मेरे, अगर आपको टॉर्च का फोकस पसंद आया है तो आप ले सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शंस हैं। बैटरी बैकअप और बिल्ड क्वालिटी के अलावा इससे के रेंज में कई और बेटर ऑप्शन हैं, वो टॉर्च आप देख सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। ये मेरे हिसाब से ओवर प्राइस टॉर्च है, इसकी प्राइस वैल्यू जो है वो 1600 लास्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 1600 इस टॉर्च के लिए सफिशियंट है प्राइस। लेकिन ये 1800 से 2000 की रेंज में आता है जो कि बहुत ज़्यादा है। आईबेल की तरफ से आने वाला टॉर्च 8279 ये जो भी मॉडल है 8289, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक भी दे दूंगा आपको, अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो यही है फाइनल वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये जानवर है, जानवर है, ये चप्पल है, जरूर ये डोरेमोन का चप्पल होगा।